Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss BCom honors 4th semester cyber crime and law का आज assignment discuss करेंगे. Question number 1 से start करते हैं. What are the different types of cyber crime? Explain in brief. तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर define किया है cyber crime को और उसके बाद उसके different types को एंड देन उसके examples को justify किया है. तो आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से cyber crime क्रिमिनल एक्टिविटी है और टाइप्स क्या क्या हैं इसके और टाइप्स की एक्सप्लेनेशन क्या क्या है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जांपल्स डिस्कस कराए हैं. एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम, मालवेयर अटैक, फिशिंग, ये सारे क्या होते हैं, एक तरीके से साइबर क्राइम्स होते हैं. ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो मैंने जस्टिफाई किया है हर एक पॉइंट को अच्छे से. सेकंड इज डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम और डोमेन नेम के डिस्प्यूट को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, दोनों चीज़ें. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डोमेन नेम होता क्या है. ये मैं जस्टिफाई करा रही हूँ इसलिए कि आप लोगों को ये कोई भी डाउट ना रहे कि असाइनमेंट से रिलेटेड. डोमेन नेम डिस्प्यूट क्या होता है, देन उसको फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी क्या है, वो सारी कब आई थी रिलेटेड डेटाज वगैरह 1996 का जो डेटा वगैरह है वो, और फिर एंड लास्ट कंक्लूजन जो कि मैं देती हूँ ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन के हिसाब से. कंक्लूजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद ई फॉर्म के बारे में पूछा है, दैट इज पार्ट नंबर ए. जस्ट वेट अ सेकेंड, ये दो पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया है तो ये मेंशन कर लेना, ये ए पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट है. उसके बाद ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन कौन से फंक्शनैलिटीज़ होती है इसकी. ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के हिसाब से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ही अच्छे से मेंशन है. आप लोग अच्छे से सबमिट, मतलब सबमिट कह रही हूँ, अच्छे से इसको मेंशन करना हाईलाइट करके. ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है वो असेसिबल होता है, इजीली रीच होता है, इसको हम ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें. अब ये बी क्वेश्चन है, ये ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया है, मतलब इसकी फॉन्ट वगैरह ज़्यादा ही कम हो गया, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और इसको एक्सप्लेन बताया है, इसके थ्रेट क्या होते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो साइबर सिक्योरिटी को पहले मैंने जस्टिफाई किया है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है. उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्योंकि ये रिलेटेड टर्म्स हैं. अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो तो ये कहीं ना कहीं लिंक करते हैं. फॉन्ट बड़ा इसीलिए रखा है मैंने कि ये थोड़ा सा कह सकते हैं आपको लाइट है, दैट इज़ द रीज़न फॉन्ट बड़ा कर दिया मैंने. अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो वीडियो की क्वालिटी से रिलेटेड तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगी और अच्छी आपको PDF फॉर्मेट में अच्छा प्रोवाइड कर सकूँ. तो ये आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से आपका पूरा का पूरा मेंशन कराया है मैंने, फिर मैंने इसके थ्रेट्स और इसके सॉल्यूशंस कैसे, हम टिप्स कौन कौन से टिप्स हैं जिसकी वजह से हम इन इन वायरसेस वगैरह से बच सकते हैं. तो आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे मैंने एक एक चीज़ आपको जस्टिफाई करा दी, मैंने असाइनमेंट में क्या चीज़ मेंशन करी है और किस तरीके से करी है. नाउ अब आप लोगों का काम क्या है, अगेन चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और जैसे आप कमेंट्स की बरसात कर रहे हो वैसे ही करते रहो, दैट इज़ अ वेरी अप्रिशिएटिंग थिंग फॉर मी. ओके, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी.